हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, बात करते हैं अगर हमारी नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं, तो एक कंसेप्ट रहता है यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ड क्या आता है हमारे लिए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं और इस फिर डेफिनेशन का एक बार एनालिसिस करते हैं। एक वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जीडीपी कहलाती है। सर यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि सर घरेलू सीमा के अंदर, तो हम यहां पर एक बार ये मान लेते हैं कि सर ये घरेलू सीमा है हमारी, ठीक है। अब घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के द्वारा, तो क्या इस निवासी के अंदर क्या भारत का निवासी ही शामिल किया गया है या फिर भारत के बाहर का निवासी भी शामिल किया गया है। तो यहां पर तो कहा गया है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के द्वारा, नहीं कहा गया है कि भारतीय निवासी या विदेशी निवासी। तो सर यहां पर इस सीमा के अंदर रहने वाले भारतीय निवासी, चलिए इसको हम अलग से एक राइटिंग पेड के ऊपर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी घरेलू सीमा है। फॉर एग्जाम्पल अभी घरेलू सीमा की डेफिनेशन में बताइएगा, अभी हम जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आ रहे हैं, तो मेन पॉइंट को समझिएगा। ये हमारी घरेलू सीमा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर रहने वाले निवासी के द्वारा, अब ये निवासी भारतीय भी हो सकता है या ये निवासी गैर भारतीय यानी विदेशी भी हो सकता है, आपको ये बात पहले तो ध्यान रखनी है। आई बात समझ में, ये निवासी है तो भारतीय भी हो सकता है फिर गैर भारतीय भी आपके लिए हो सकता है। तो इसके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, तो इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले निवासी, चाहे वो भारतीय निवासी हो चाहे वो विदेशी निवासी हो, वो एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपके लिए 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो उन्होंने 1 अप्रैल से 31 मार्च को इस घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाला निवासी, चाहे वो भारतीय निवासी हो चाहे वो विदेशी निवासी हो, इसके द्वारा जो जितना भी उत्पादन किया गया अंतिम वस्तुओं का, हम यहाँ पर जो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हमारी जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर हम जो वस्तुएं और सेवाएं देखेंगे वो अंतिम वस्तुएं या सेवाएं देखेंगे। अंतिम वस्तुएं या सेवाएं का मतलब होता है कि सर अब उनको कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लायक वो हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बटन बना, तो क्या बटन कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, नहीं। धागा बना, धागा कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, नहीं। शर्ट बना, कपड़ा कॉटन से कपड़ा बना, सिर्फ कपड़े को पहन सकता हूं क्या मैं, नहीं। तो फिर कपड़ा मिला, बटन मिला, धागा मिला, सिलाई हुई, तो फिर बना मेरा शर्ट, तो क्या अब इस शर्ट को यूज कर सकता हूं क्या, यस। तो ये शर्ट है आपके लिए अंतिम उत्पाद या अंतिम सेवा,
आई बात समझ में। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि एक वित्त वर्ष के अंदर जो भी सीमा है देश की, उसके अंदर रहने वाला निवासी, वो निवासी चाहे तो भारतीय हो सकता है, वो निवासी चाहे तो विदेशी हो सकता है, इनके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा। और ये वस्तु और सेवा कैसे लेंगे? क्या हम इंटरमीडिएटरी जो होते हैं उनको ले सकते हैं क्या? नहीं सर, आप किसको लोगे? अंतिम किसको लोगे? अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को लोगे। और जब हम इसका टोटल कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या आ जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। बात क्लियर हुई क्या सर? हाँ सर, बात थोड़ी बहुत तो समझ में आई है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन को वापस से रीड डाउन करते हैं सर, डेफिनेशन को वापस से रीड डाउन करते हैं। एक वित्त वर्ष में, और वित्त वर्ष का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा का भी मतलब समझ लेंगे हम, लेकिन घरेलू सीमा आप अभी तक इतना ही मान लीजिएगा जितना हमने इस डायग्राम में बनाया है, के अंतर्गत रहने वाले निवासी। अब निवासी के अंदर कौन से निवासी शामिल है? भारतीय निवासी और गैर भारतीय निवासी दोनों ही शामिल है। के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जीडीपी कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। आई बात समझ में? वित्त वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। घरेलू सीमा का मतलब होता है समुद्र तट से 12 नोटिकल माइल, समुद्र तट से 12 नोटिकल माइल तक घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाता है। तो ये जो घरेलू सीमा आपने यहाँ पर ड्रॉ की है ना सर, यहां से आप कहते हो कि ये समुद्र तल से 12 नोटिकल माइल्स तक भी क्या है? ये घरेलू सीमा है। घरेलू सीमा के अंदर और क्या शामिल होता है? विदेशों में स्थित हमारे दूतावास हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत माने जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इतनी सी जगह है भारतीय दूतावास, क्या वो भी घरेलू सीमा में शामिल होगा? यस सर, वो भी घरेलू सीमा में शामिल होगा। वायुयान एवं जलयान जिस देश में पंजीकृत है वो उस देश की घरेलू सीमा में माने जाते हैं। तो वायुयान और जलयान अगर भारत का है, भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो जलयान और वो वायुयान किसके अंतर्गत आएंगे? घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। वो किस सीमा के अंतर्गत आएंगे? घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि सर एग्जाम्पल दो, जैसे कि सर एक एरोप्लेन है वो भारत से गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत भी तो आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से जब वो भारत आ रहा था तो सर इनकम तो उसने ऑस्ट्रेलिया में कमाई, लेकिन वो जलयान कहाँ का है? वो वायुयान कहाँ का है? भारत का है। और इस वजह से वो वायुयान भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत बना जाएगा, और वहाँ पर जो भी इनकम होगी, वहाँ पर जो भी सेवा दी जा रही है, और वो किसके अंतर्गत शामिल होगी? वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल होगी। सर निवासी के अंतर्गत दो निवासी आते हैं, भारत का निवासी और भारत के बाहर का निवासी। भारत का निवासी वो होता है जो कि पिछले साल 182 डेज 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, और 182 दिन या भारत से ज्यादा नहीं रहता है वो भारत में, तो वो अनिवासी हो जाता है। इसको आप शॉर्ट में से लिख लीजिएगा। सर अंतिम वस्तु और सेवा को ही हम लिखते हैं जो कि कंज्यूमेबल है, वे वस्तु और सेवा जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकल चुकी है। गेहूं से आटा बनता है, आटा से ब्रेड बनता है, तो ये आपके लिए हो गई अंतिम वस्तु या सेवा। सर अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्यों काउंट किया जाता है? काफी बार इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोहरी गणना ना हो। बटन का भी प्राइस नेशनल, बटन का भी प्रोडक्शन जीडीपी के अंदर ऐड हो गया, धागे का भी प्रोडक्शन जीडीपी में ऐड हो गया, शर्ट का भी प्रोडक्शन जीडीपी में ऐड हो गया। तिहरी गणना आ गई सर। दोहरी गणना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये शर्ट, इसको ही हम जीडीपी की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी काफी सारा जो कहा जा रहा है कि सर जो वित्त वर्ष है उसको बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया जाए, तो हुआ नहीं है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो अब काफी सारे हम पहले देखेंगे बदलने का कारण, फिर इसके पक्ष में बात करेंगे और इसके विपक्ष में बात करेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर आधारित है और मई तक बजट का निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन सर मानसून की स्थिति का पता तो जून और जुलाई में लगता है सर, और क्योंकि सर जून और जुलाई के अंदर लगता है तो अगर एक जनवरी से 31 दिसंबर होगा तब आप अच्छे से बजट बना पाओगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर सुविधापूर्ण भी है वित्त वर्ष के रूप में, क्योंकि सर विश्व के अधिकांश देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही रखा जाता है, तो हम उनके साथ सामंजस्य कर सकेंगे, उनके साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, इसलिए भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। वित्त वर्ष के बदलने के लिए पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया है सर। विपक्ष में क्या है, अगर 1 जनवरी से वित्त वर्ष को रखा जाता है तो भी मॉनसून का साथ सामंजस्य होगा नहीं, क्योंकि पता तो एक्चुअली स्थिति कब चल रही है, जून जुलाई के अंदर। अमेरिका जैसे बड़े शहरों में वित्त वर्ष 1 जनवरी से लागू नहीं होता है, इसका वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अमेरिका कहते हैं कि हम सामंजस्य करेंगे, सामंजस्य कहाँ कर रहे हो, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के साथ भी आप सामंजस्य नहीं कर पा रहे हो, बाकी वाली कंट्रियों के साथ करोगे लेकिन अमेरिका के साथ तो नहीं कर पा रहे हो ना। वहां पर वित्त वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से चालू होता है सर। सभी सॉफ्टवेयर बदलने पड़ेंगे सर, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा आपके लिए लग जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सर, आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो कौन सा है सर, आरबीआई का वित्त वर्ष काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 जुलाई से 31 जून तक आरबीआई का वित्त वर्ष होता है, जबकि बैंकों का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। आई बात समझ में सर। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा सर, इस वीडियो के अंदर हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, एक देश की सीमा के अंतर्गत उस देश की सीमा आ जाती है समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक की जगह आ जाती है, किसी भी दूसरे देश के अंदर जहाँ पर भारतीय दूतावास है वहाँ पर इंडियन एम्बेसडर वाली जगह आ जाती है, और जो जलयान है या वायुयान है वो जिस देश के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वो उस देश की ही घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष का मतलब अभी भी क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है तक, उसके अंदर जो भी निवासी रहते हैं उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, और यहाँ पर उत्पादित कौन सी वस्तु और सेवाएं लेंगे, अंतिम वस्तु और सेवाएं लेंगे, क्यों लेंगे सर, ताकि दोहरी गणना नहीं हो, बटन की कैलकुलेशन आ गई एक बार धागे की कैलकुलेशन आ गई, एक बार शर्ट की कैलकुलेशन आ गई, तो शर्ट के अंदर तो बटन की कॉस्ट भी शामिल है, शर्ट के अंदर तो धागे की भी कॉस्ट शामिल है, तो दोहरी गणना हुई या नहीं हुई, हो गई सर। तो ये दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुएं और सेवाएं लेते हैं। और इसके साथ ही हमने सीखा सर कि जो बैंक होते हैं उनके लिए, आरबीआई जो होता है उसके लिए सर, आरबीआई जो होता है उसके लिए कब से कब तक का वित्त वर्ष होता है, आरबीआई के लिए वित्त वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। टोटल मिलाकर नेशनल इनकम के कितने पार्ट रहेंगे सर, टोटल मिलाकर नेशनल इनकम के सर 4 पार्ट होने वाले हैं सर, चारों के चारों पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट तो जरूर से देखिएगा सर, मजा आ जाएगा तीसरे पार्ट के अंदर, तो आपको चारों पार्ट में ही मजा आएगा, तीसरा पार्ट जरूर से देखिएगा लेकिन, है ना, ताकि आप बाकी वाले पार्ट भी देख लो, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। अभी हमारा टॉपिक नंबर 1 चल रहा है, क्या है टॉपिक नंबर 1, राष्ट्रीय आय, उसका नंबर 1 वीडियो आपके सामने आ चुका है, बाकी वाले वीडियो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।